ओम शांति। आज का टॉपिक है स्वपरिवर्तन। तो स्वयं का परिवर्तन करना चाहता है कौन? चाहता है कौन? चाहता है आत्मा। किसका परिवर्तन करना चाहता है? शरीर का। मन अलग, आत्मा अलग। कौन परिवर्तन करना चाहता है, किसका? दो चाहिए ना? हाँ, इसलिए पूछा। अभी आप सभी शरीर नहीं हो, आत्मा है। आत्मा के अंदर बुद्धि, मैं, ये पहला चाहिए। तो मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। तो मैं कौन, ये दुनिया में कोई एक्सप्लेन नहीं करता। ये परिवर्तन करो, कौन करेगा? तो मीनिंगलेस हो जाता है। तो मैं कौन? बुद्धि, आत्मा नहीं। आत्मा तो टोटली बात करे ना, ये शरीर की बात है ही नहीं। इधर ये रूहाना सत्संग है, शरीर की बात ही नहीं। आत्मा के अंदर बुद्धि, जब मैं कहते हो वो कौन कह रहा है? वो बुद्धि। अभी मैं के अंदर अगर उसको ज्ञान नहीं तो उसको दे अभिमान कहा है ना। मैं सुंदर हूं, मैं होशियार हूं, मैं श्रीमंत हूं, देह का अभिमान। मेरे अंदर ये कला है, दे भान और दे अभिमान। लेकिन हम सभी इधर जो बैठे हैं वो ज्ञानी हैं, ज्ञान है हमारे अंदर। तो ज्ञान होने के बाद आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, समझ है। तो मैं जो कह रहा हूं वो बुद्धि। अब जिस बुद्धि के अंदर आज जो सवेरे मुरली सुनी, वो मुरली के पॉइंट याद है। आज बाबा ने कहा, बच्चे किसी को दुख नहीं दे दो, है ना। तो ये किसको सुना? सबने, लिख भी दिया। तो लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। तो एक भाई को लगा कि मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूं, लेकिन ये भाई मेरे से नाराज रहता है, ये बात नहीं करता है, ये मुझे सहयोग नहीं देता है। मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं सही काम करता हूं। तो बाबा ने कहा, आज बच्चे कि किसी को दुख नहीं दे दो। तो आपने सोचा कि मैं किसी को दुख देता हूं, अपने आप से बात करो। तो मन ने सुना है, तो बुद्धि से बात करते हो अपने आप से। हां, मैं ये काम करता हूं तो इसको पसंद नहीं है। वो कहते ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। घर में वाइफ नहीं चाहती है, बेटा नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। अगर आप सवेरे उठ के ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, लाइट जलाते हो, योग में उठते हो, सो घर वालों को डिस्टर्ब होता है, वो ज्ञान में नहीं चलते। आप अकेले चलते हो, आप लाइट जलाते हो, आवाज करते हो 4 बजे उठ के, तो उनको डिस्टर्ब होता है, वो नाराज हो जाते हैं। आप कहेंगे मैंने कुछ किन किया, आपके मन में मैं उठा चुपचाप और बाथरूम में गया योग करने, अलग बैठा, लेकिन आपके उठने से उनको डिस्टर्ब होता है। तो आपके कर्म से दूसरों को दुख मिल रहा है, आप नहीं दे रहा है, लेकिन उनको वो दुख लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? अभी परिवर्तन कौन करे, प्रश्न इधर आया। आप कहते हो उनको करना चाहिए, वो कहते हैं इनको करना चाहिए। ये दुविधा है संसार में। अब इस दुविधा को सॉल्व करो। स्व परिवर्तन कौन करे, यही समस्या है ना। तो इसलिए समस्या को सॉल्व करो, सिर्फ ऐसे क्लास नहीं है। तो सॉल्यूशन कौन करे? आप कहते हो मैं सही हूं, वो कहते हैं कि हमको 4 बजे तक, 5 बजे तक हमको सोना है। आप 4 बजे उठते हो, लाइट जलाते हो, तो डिस्टर्ब होगा ना, तो ये ठीक नहीं है।
तो आप इसको गलत नहीं मानता है। तो ये रियलाइज कौन कराए? जब बाबा मुरली सुनाता है, रोज क्लास करते हो, तो आप अपने आप से पूछते हो, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, स्वयं को पढ़ाओ। आज बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं दे दो, क्या मैं दुख देता हूं? आप पूछ लो अपने आप से, मेरे बोल मेरे आचरण से कोई घर में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, सेंटर में, कहीं भी जहां मैं जाता हूं, क्या सभी मेरे से संतुष्ट है, खुश? सभी चाहते मुझे, सभी रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं, ये मेरे से बात ही नहीं करता है, इसको मैं कुछ भी कहता पसंद नहीं है, मेरी युगल सदा घर में नाराज है, बच्चे मेरे से बात ही नहीं करते हैं, पड़ोसी सेंटर में आता हूं कोई भी मेरे नजदीक नहीं बैठता है, दूर जाता है। तो क्या पूछना पड़ेगा मुझे? कोई नहीं बोलेगा, मुझे पूछना है कि मेरे जीवन में क्या कमी है, जो मैं करता हूं ये इनको पसंद है, वो पूछना। ये कठिन जॉब है और कोई भी आपको नहीं बताता है, दूसरों को बताएगा, अरे ये ऐसा है ये ऐसा है, आपको नहीं बताएगा। तो क्या करना चाहिए? आपको सबका प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन कोई मुझे देता नहीं और आप समझते हैं अब मैं सही चलता हूं। तो मुरली सुनते हुए भी अपने आप को पूछना है कि क्या मेरा बिहेवियर में कुछ कमी है। तो हरेक को लगता है मेरा बिहेवियर ठीक है, और आपका बिहेवियर कोई गलत है, उनको गलत लगता है, तो वो आपको कोई नहीं बोलता है। सही बोला, दूसरों को बोलते हैं। हाँ, अब आया, आपको नहीं बोला, तो अगर ये भाई को बोला, वो भी आपको नहीं बोलता, वो औरों को बोलता रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है आपको आके बोलने की। ये एक हमारे परिवार में ये कमी है, उसके कारण आप भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अब बाबा भी तो रोज कहता है, सुनते हैं, और परिवार में एक दूसरों से नफरत ही है, स्नेह नहीं है। कहते हैं वन फैमिली, एक परिवार, हम भाई भाई है, बोलने का है, हमारे आचरण में है। सोच लो आप, हमारे आचरण में है, भाई भाई समझते हो? अगर आपका ये भाई बीमार हो गया, क्या आप पूछते हो भाई जी बीमार है, मैं खाना लेके आऊं, मैं कुछ मदद करूं? नहीं, शरीर छोड़ने के बाद एक मिनट शांति का दान दे दो, जीवित होते हो गए कोई पूछता नहीं है। हमारा भाई है, हम एक बाबा ब्रह्मा कुमार एक है, दिस इज अवर मेंटेलिटी। तो बहुत जरूरी है ये। तो बाबा चाहता है वन फैमिली वन गॉड, एक संसार सत्युग में एक राजा, एक भाषा, एक परिवार, ये सब सुन रहे हैं हम, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आया तो आचरण में नहीं आ रहा है। अभी भी हमारे अंदर यह है, आप मुझे मदद करते हो तो मैं आपको मदद करता हूं, अगर आप मुझे मदद नहीं करते हो किसी प्रकार का, तो मैं आपको मदद नहीं करता, आप मेरा भाई नहीं है। तो लेन देन का व्यवहार हो गया, बिजनेस। दुनिया में भी पैसे दे दो तो सामान मिलता है, आप मुझे मदद करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, मेरा मानते हो, तो आपको मैं देता हूं, अगर आप नहीं देते हो तो नहीं। बाबा कहता है निस्वार्थ सेवा करो, सेल्फलेस, मेरे लिए नहीं, बाबा के बच्चे समझ कर निस्वार्थ। तो ये हमारे जीवन में नहीं है, ये मानते हो कि नहीं?
कि आप कहते नहीं भाई जी हमारे अंदर बंधुत्व है, यूनिटी है, हम भाई भाई करके चलते हैं। बताओ चेन्नई में कैसा है, बताओ आप बताओ, आपको सुनना पड़ेगा, आप बताएंगे ना प्रैक्टिकल क्या है। वी आर कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल, कोऑपरेटिव, जो समझते भाई जी ये चारों हमारे अंदर चेन्नई में है वो हाथ उठाओ, प्रैक्टिकल आओ, कितने हैं देख लो। ये चार बातें तो मिनिमम, कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ, निस्वार्थ कंडीशन है, कोई इच्छा नहीं, मुझे मदद करना है, सहयोग देना है, हम एक शिव बाबा के बच्चे, सत्युग में भी हम साथ में जाएंगे, ऐसे जो समझते हो और चलते हो वो हाथ उठाओ। गुड, माना है, मेजॉरिटी है। जो समझते हैं भाई जी हम सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, दिल नहीं करता है, उससे बात करो, उसको सहयोग दे दो, है ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं, ऐसे कोई है तो हाथ उठाओ। हाँ ऐसे भी है, चाहते हैं, ज्ञान है, लेकिन करने की, क्यों करने की इच्छा नहीं। कि मैं आपको जानता हूं, आप पहले बहुत गुस्सा करता था, आप पहले ऐसे चलता, अभी ज्ञान सुनता है, लेकिन आपकी गलत बातें मुझे पता है, उसके कारण कुछ मदद करने की इच्छा नहीं होती है, विलिंगनेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास पुराना अनुभव है। आपका बिहेवियर, आपका परिवार का, आपका नहीं परिवार का भी, वो भी प्रभावित करता है। अरे इनके परिवार वाला ऐसे है, इस पर कैसे विश्वास करें, ये सारा इन्फ्लुएंस करता है। तो क्या करना चाहिए अभी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहिए, यही परिवर्तन। जो आप परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन करने के लिए, बाबा ने दो चार दिन पहले मुरली में सुनाया, परिवर्तन की शक्ति चाहिए। तो आपने, किसी ने पूछा नहीं, बाबा कौन से मार्केट में मिलता है, चेन्नई मार्केट में मिलता है कि मद्रास के मार्केट में मिलता है, कहां मिलता है परिवर्तन शक्ति, कहां मिलती है। तो आपके पास है परिवर्तन की शक्ति, बताओ, आप में से कोई भी बताओ परिवर्तन शक्ति कहां है, कहां है हमारे नाम, बोलो, चश्मे वाला दादा बताओ, परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर कहां है, वो दिमाग में, दिमाग माना मन, मन में नहीं, और परिवर्तन शक्ति कहां है, संस्कार में, आत्मा में तो जनरल हो गया, और बुद्धि में, परिवर्तन शक्ति बुद्धि में है, और बाबा के पास, हाँ बुद्धि में, किसने बोला था आपने, तो बुद्धि में कैसे परिवर्तन शक्ति है वो भी बताओ, कैसे एक्सप्लेन करो, हाँ परिवर्तन शक्ति बुद्धि में है, वो कैसे है, याद से, और हाँ इन्होंने सही बोला लेकिन एक्सप्लेन करना है कि मैंने सुन किया, बुद्धि ने मुरली सुनी, आज सुनने के बाद अपने आप से बात किया आपने, क्या मेजे मेरे से ये असंतुष्ट रहता है, बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं दे दो, क्या मैं किसी को दुख देता हूं, पूछना, तो कहता नहीं, हाँ फिर भी मैं क्लास में आके बैठता हूं तो इधर ये लिखता हूं, कुछ बोलता हूं, ये इनको पसंद नहीं है, मैं मुरली के पॉइंट पूछता हूं तो इनको पसंद नहीं है, तो क्या करूं, तो अपने आप से बात करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर
95% आप दूसरों को संतुष्ट कर सकते हो, 5% नहीं कर सकते। उसके बाबा ने एग्जाम्पल दिया 95 की कितना अव्यक्त मूल्य है देखने। उसके अंदर बाबा ने सॉल्यूशन दिया। क्या दिया? बाबा ने कहा अगर ये भाई आपसे 100 रुपया मांगता है और आपके पास 200 रुपया है और उसको 100 रुपया दे दिया, वो खुश, उसको चाहिए था दे दिया, वो भी खुश, लेकिन आप भी खुश क्योंकि मैंने 100 रुपया दे दिया, दे फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, आपके पास 100 रुपया है और इसको 200 रुपये चाहिए, आपने 100 रुपया दे दिया उसको, लेकिन वो खुश नहीं है, आप खुश है क्योंकि मेरा 100 रुपया पूरा दिया, वो खुश है, खुश नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा वो अपनी इच्छा से असंतुष्ट है, आपसे नहीं, आपने अपनी पूरी मदद किया तो आपने कहा मैंने पूरा मदद किया, खुश आप, लेकिन वो खुश नहीं। क्यों? कि उसके अपने संस्कार है, उसकी इच्छा अपनी है, वो आप पूरा नहीं कर सकते, वो उसकी है। तीसरा है कि आपके पास 100 रुपया है और वो 100 रुपया मांगता है, लेकिन आपने कहा मुझे भी कुछ चाहिए, मैं खाली हो जाऊं, आपने 50 रुपया दे दिया, वो खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है। अरे 100 रुपया देता था वो खुश हो जाता था, लेकिन मुझे भी चाहिए ना, मैं खाली हो जाऊं, तो क्या करो? आपने 50 रुपये रखा तो आपको भी खाता है, 100 रुपये देता था वो संतुष्ट हो जाता था, लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं, वो भी संतुष्ट नहीं। तो ये व्यवस्था बाबा ने दिया है, 5% आपसे असंतुष्ट, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, 95% कर सकते। तो तब पूछना है आपको, जो ज्ञान सुनते हो अपने आप से पूछो, मेरे बोल ठीक नहीं है, किसको पसंद नहीं आता है, जोर से बोलता हूं मैं, प्यार से शांति से नहीं बोलता हूं, धीरे से नहीं बोलता हूं, दूसरों को लगता है नहीं ठीक, वो कहता है गुस्सा करता है, जोर से बोलता है। तो आपने रियलाइज किया, वो रियलाइज परिवर्तन शक्ति बुद्धि के अंदर है। तो इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। तो अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हो वो बुद्धि के अंदर शक्ति है, तो बुद्धि रियलाइज करती है। तो बुद्धि कौन सी बुद्धि रियलाइज करती है? जो बुद्धि के अंदर ज्ञान है आज के मुरली सुनने के बाद, तो वो रियलाइज करते ये गलत है, ऐसा शब्द जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, देवता है हम, फरिश्ते बनने जा रहे हैं, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे प्यारे बच्चे बोलते हैं, हमें इतने जोर से नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, देवता बनने वाले बच्चे हैं, ये समझ में आया। तो आप अपने आप को पढ़ाते हो, दैट इज रियलाइज किया। आफ्टर रियलाइजेशन 2 स्टेप्स है और 2 काम करना है। ए सिस्टमेटिक एफर्ट विल ब्रिंग ए चेंज। रियलाइजेशन इटसेल्फ इज नॉट एवरीथिंग। महसूस किया गलत है तो चेंज नहीं होगा, महसूस करने के बाद और कुछ करना है, 2 काम करना है। ए सिस्टमेटिक एफर्ट, विधि पूर्वक अभ्यास अगर करते हो तो परिवर्तन। अभ्यास करते हो कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे परिवर्तन करना है, क्रोध छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, क्रोध नहीं जाएगा। तो विधि है उसकी, तो विधि पूर्वक अभ्यास करते हो तो परिवर्तन है। सिर्फ अभ्यास परिवर्तन नहीं लाएगा। हम डे एंड नाइट पुरुषार्थ करते हैं, एफर्ट करते हैं, दैट इज लेबरिंग, मेहनत है। बाबा कहते मेहनत नहीं करो, तो विधि बताता है।
तो विधि कौन सी है? वो हर एक के अलग अलग विधि है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई क्रोध छोड़ना चाहते हो, कौन से मार्केट से लाया था क्रोध, कहां छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? अभी कितना साल, कम से कम 25 साल 20 साल ज्ञान में चल रहे हो, 20 साल से मुरली सुन रहे हो, 7 डेज कोर्स में कहा काम और क्रोध नरक के द्वार है, क्या क्रोध रियलाइज नहीं किया आपने, ये गलत है, तो गया क्यों नहीं गया? तो यह रियलाइज, आप समझते हो क्रोध करना अच्छा है, नहीं है ना, रियलाइज किया है, तो परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? होता नहीं हा? हाँ, क्या एफर्ट, क्या एफर्ट करना चाहिए क्रोध छोड़ने के लिए, क्या मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट क्या करना चाहिए, वो बताओ। ना पुरुष उसके लिए सिस्टमेटिक एफर्ट है, विधि भी चाहिए, तो वो विधि किसी के पास है क्रोध छोड़ने की? पहले सुनाया था, पहले भी भट्टी में आया तो सारे बहन सेंटर के टीचर्स और भाई खड़े थे, अन्नपूर्णा बहन भी थी, शांता बहन नहीं थी, तो सारे बहने, वासन भाई भी था, एक आपका ट्रांसलेशन करता था ना, सुंदरशन भाई वो भी था, सारे भाई सब खड़े थे, सबको प्रतिज्ञा किया कराया था यहां ही कि हम एक साल क्रोध नहीं करेंगे, एक साल क्रोध नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करो। सुन रहे क्लास, तो सुनने से, लिस्निंग इज नॉट एवरीथिंग, कमिटमेंट चाहिए, हमने सुना हमको करना है, वो मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे आपका समय हमारा समय ऐसे नहीं है, वैल्यूबल है, हम बाबा के वैल्यूबल बच्चे हैं, इट इज नॉट द वेस्ट ऑफ, आप खाली है आके बैठे हो सुनाओ, नहीं, कुछ सुनने के लिए आए हो, वैल्यूबल टाइम आपका, आपका जीवन वैल्यूबल है, तो वो उसको भी सही यूज करना चाहिए। तो अगर आप में से कोई कहते हो हमको क्रोध छोड़ना है, उसकी विधि है, विधि पूर्वक पुरुषार्थ है, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। सिर दर्द है, आप बताओ 100 दफा सिर दर्द चले जाओ, शिव बाबा सिर दर्द मिटाओ, शिव बाबा शिव दर्द मिटा, तो मिटेगा, मिटेगा नहीं, शिव बाबा को बता दो, बाबा शिव आप आए हो सिर दर्द मिटाओ, सिर दर्द मिटाओ, मिट जाएगा? हाँ, तो ये भी ऐसी भी भावना है लोगों की, इसलिए पूछ रहा हूं। तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, वो 5 गोली देता है और कहता है 5 फुल कोर्स करना, तो 2 गोली लेते ही आपको पता चलता है थोड़ा सा ठीक हो गया, दर्द कम हो गया, तब आपका विश्वास होता है ये डॉक्टर भी बहुत अच्छा है और ये गोली भी अच्छा है। बाबा बार बार मुरली में कहता है बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, किस पर निश्चय रखो, कैसे निश्चय रखो, अपने आप तो नहीं होगा ना, प्राप्ति चाहिए। डॉक्टर भी कहता है मेरे पर विश्वास रखो, कैसे रखो, आपको क्योर होना चाहिए, तो विधि है। तो ये गोली खाली पेट लेना है, ये गोली शाम को लेना है, अगर डॉक्टर ने जो नियम बताया उसके अनुसार लेते हो तो रिजल्ट दिखाई देगा ना, कि अपने आप जाएगा, चमत्कार तो नहीं है, जादू तो नहीं है, विधि है, विधि से सिद्धि है। तो क्रोध छोड़ने की विधि क्या, अब एक एक के लिए अलग अलग है, तो उसकी विधि बताता हूं, वो करके बताएंगे कि सुनेंगे, पक्का, कितना दिन के बाद, ज्यादा नहीं, मिनिमम, हाँ पहले हाथ उठाया, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन, सुनाने से पहले यू आर रेडी, क्योंकि एक्यूरेट है, समय नजदीक आया है, किस समय किसका क्या होगा पता नहीं। देखो आपकी सेलम की बहन कितना मजबूत थी, कोई बीमार नहीं थी, एक्टिव थी, शरीर कोरोना में कितने बहने गए, कहां गए वो, क्या उनको तुरंत शरीर मिलेगा,
सोचना। बाबा ने कहा बहुत साल नहीं, अभी समय नजदीक आ गया, थोड़ा सा समय है, किस समय अचानक पति परिवर्तन होगा पता नहीं चलेगा। तो अगर ऐसे कोई संस्कार है तो वो लेके जाएंगे, जा सकते हो, थोड़ा सा क्रोध है चलेगा, सत्यु का टिकट मिलेगा ना, बिना दीदी देंगी, बिना दीदी का, दीदी दीदी कहेंगे बाबा ये बहुत अच्छा भाई है, इसने यज्ञ में बहुत मदद किया है, इसको जाने दो। हाँ तो सिक्योरिटी वाला छोड़ेगा, धर्मराज कहेगा चलो, हाँ छोड़ेगा धर्मराज, बताओ नहीं है ना। तो वहां कोई नहीं, किसी की वकालत नहीं चलेगी, हाँ इम्पार्शल है। तो इसके लिए बताओ तो सिंपल विधि पहले बताया था, अभी अच्छी तरह सुनना और फिर मुझे रिजल्ट बताना कि ये होता कि नहीं है। हाँ क्या करना है, इतना सिंपल है, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं है। तब बाबा ने नाम दिया सहज राज योग। हम वो छोड़कर बहुत मेहनत करने लगते हैं, अननेसेसरली मेहनत करते हैं, नहीं उसने कहा, इसने कहा, बहुत लोगों ने कहा, तो वो भगवान के महावाक्य नहीं, मनुष्य के महावाक्य। मुरली में से कहीं आया क्या पूछ लो, मुरली श्रीमत हमारे लिए, हमारे लिए आदर्श मुरली है, मुरली के अंदर से पॉइंट्स निकालो तो कहां कहां बाबा ने क्या क्या कहा वो इकट्ठा करो, उसको अप्लाई करो, उसके ऊपर प्लानिंग करो। तो हमने अपने जीवन में देखा कि बहुत सारी परिस्थिति आती है क्रोध की, हर सेकंड आता है, आपके सामने परिवार का है, हमारे सामने मधुबन है, 2000 भाई समर्पित है, सारे बाहर के टीचर बहने, बहुत लोग आते हैं, उनको बहुत कुछ चाहिए, नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं। एक बहन आई, वो भूल गए बैच, और गेट पर उसको रोका बाबा के समय पर, और उधर से फोन करती है, भाई जी ये भाई अंदर जाना नहीं देता है, मैं टीचर हूं, मेरे भूल से बैच नहीं लाया। अब उसको कहता है भाई जी मेरा नियम है, धर्म है, मैं उसको कैसे भेजूं, ये टीचर है। हमने कहा मैं जानता हूं टीचर है, अगर आप चाहते हो तो मैं अपना बैच निकाल के भेजता हूं, फिर उसने छोड़ा। तो ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो वहां क्या करेंगे आप, वो भी सही है। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताया। तो क्रोध के लिए एक बताता हूं, आप क्या करो, रोज मुरली सुनते हो, कैसे भी सुनो, सेंटर में आके सुनते हो बहुत अच्छा है, एक मुरली के पॉइंट नोट करो, लिखो जो भी आपको अच्छा लगा, वरदान स्लोगन ये होना चाहिए, ऐसे नहीं, तो एज पर योर विल एंड विश, जो भी सारे मुरली से कोई भी एक शब्द आपको अच्छा लगा वो लिख कर जेब में रखना। आप कहते भाई जी बहुत बिजी है, वो अर्जन है, और भी बिजी रहो, लेकिन 3 दफा शरीर को खाना खिलाते हो, उस समय तो खाली है, और हरेक को बाबा ने 2 हाथ दिया है, 1 हाथ से शरीर को खिलाते हो, ये हाथ खाली है, जेब में निकालो, डाल के देखो आज बाबा ने क्या कहा, पढ़ सकते हो, अपने को पढ़ा सकते हो, पढ़ो रखो। खाना खाया गया अंदर, वो मशीनरी लगी है, वो काम करेंगी, फिर भूल गया वो, फिर दिन में खाना खाना खा बैठते हो, तब खाली है, तब एक दफा पढ़ाओ, रात को खाना खाते हो तब एक दफा पढ़ाओ, मिनिमम आज की मुरली 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 1 शब्द 2 भी नहीं, भगवान के 1 बूंद के प्यासे हैं, 1 ही बूंद बस, मिनिमम 3 दफा, ज्यादा कर सकते हो, हम सब कुछ मिनिमम बताओ, मैक्सिमम नहीं, फिर 2-3-4 दफा सवेरे से रात तक किसी न किसी को, बाय फोन से, बाय सन्मुख, किसी न किसी प्रकार से औरों को भी सुनाना, दान करना है, ये सदा नहीं, मिनिमम 10 दिन, मिनिमम 10 दिन करके बताओ कि क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। क्यों, ये कोई चमत्कार नहीं है,
ये क्रोध क्यों आता है? बेहोशी में आता है। आप जानते हैं, मुरली सुनते हैं, करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस समय होश नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं है, न चाहते हुए आदत पुरानी काम कर जाती है। तो बेहोश वालों को क्या करे? दुनिया में संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, तो ये मुरली संजीवनी बूटी है। दिन में 3 दफा आप अपने आप को सुंघाते हो, याद दिलाते हो, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है। तो बुद्धि जब भी परिस्थिति आएंगी क्रोध की, तुरंत ब्रेक लगाएंगे, कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोल में 5% 10% काम करेगा, 80% ब्रेक फेल। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी चले जाएंगे अंदर, है ना, क्योंकि पावरफुल ब्रेक नहीं है। बट बाबा ने कहा, हिम्मत है बच्चे, आप ब्रेक लगाओ, मैं हूं, आप कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, मैं बैक पेन हूं, मैं हैंड ब्रेक लगा दूंगा तुरंत, लेकिन आप ब्रेक लगाओ अपना, क्योंकि रबर घिस गया है, ब्रेक लगता नहीं है। तो भी यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, 10 दिन फिर आदत बनेगी। तो ये मुरली संजीवनी बूटी है, ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये रुद्र भगवान अग्नि है, ये गंगा जल है, पाप को धोता है, ये अग्नि है। तो एक मुरली के पॉइंट आप मिनिमम 10 दिन कर सकते हो, ये कठिन है, कर सकते हैं, है ना, ये करके बताएंगे। हाँ, तो बताना हमको जरूर कि भाई जी, हमने चेन्नई में ये दवाई लिया था, हमारा क्रोध 10 दिन मैंने किया नहीं, अभी 1 महीना एक्सटेंड करेंगे, है ना, फिर 2 महीने करेंगे। पहले प्रूफ चाहिए, वेयर देर इज ए फेथ देर इज ए प्रोग्रेस, विदाउट फेथ देर इज नो प्रोग्रेस। हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, वो अपने आप नहीं होता है, फेथ चाहिए। फेथ के बगैर ज्ञान अंदर जाता नहीं है, तो विश्वास चाहिए। नहीं तो अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, आपको भी कितनी दफा बाबा मुरली में कहते क्रोध छोड़ो क्रोध छोड़ो, क्रोध ये है वो है, सुना, लेकिन अभी तक अंदर नहीं जा रहा है, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। तो क्यों उसको बार बार पढ़ाओ? तो बार बार पढ़ाने की विधि बताया। तो ये पुरुषार्थ, तो ये अगर आप पुरुषार्थ करते हो मिनिमम 10 डेज, तो देखना रिजल्ट में कि अपने आप कोई गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, लेकिन आपको गुस्सा करने की इच्छा ही नहीं होगी, नहीं, अपने आप रोक देगा, क्योंकि बुद्धि को कन्विंस हुआ है, तो बुद्धि आपको रोकती है, दैट इज रियलाइजेशन। रियलाइज करने की शक्ति बुद्धि के ऊपर है, तो वो सुनकर अपने बार बार पढ़ाया, तो उसको रियलाइज कराया, समझाया। जैसे हम दूसरों को बार बार समझाते हैं, बच्चे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, इसलिए कहा इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ, अपने को पढ़ाओ। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर स्वपरिवर्तन, लेकिन कंडीशन एक ही है, डिफिकल्टी, मैं अपनी गलती को गलती नहीं मानता हूं, उनकी गलती है, उसको ठीक करना है, मैं सही हूं, ये मुश्किल है। तो वो मुरली सुनने के बाद तो कहीं अगर अटेंशन देंगे तो रियलाइज करते हैं, हाँ बाबा कहता है दुख नहीं दे दो, मैं दुख तो देता नहीं हूं, मैं सही बोलता हूं, लेकिन मैं कुछ भी बोलू इनको पसंद नहीं है, ये मेरी बात सुनते नहीं है, तो वो बात मेरी ठीक नहीं है, ये रियलाइज होना मुश्किल है। लेकिन उसको समझाने क्यों इनको पसंद नहीं आए, कोई मेरी बात मानता नहीं, वैल्यू नहीं रखता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, सुनते ही नहीं है, क्यों? वो मुझे पूछना है, क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बड़ा बनना है, आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस, मुझे कुछ करना है, नहीं तो एक कुत्ता भी तो रोटी खाता है,
मैं भी खा रहा हूं, तो मेरे और प्राणी में अंतर क्या है? आई एम नॉट बोर्न जस्ट टू अर्न टू पीस ऑफ ब्रेड, मुझे और कुछ करना है, आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस, इसलिए मैं इधर आया हूं, कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। तो बार बार जो मुरली ध्यान से सुनता है, तब कहा सत्संग से सत गति। जो रोज मुरली सुनते सुनते बुद्धि को समझ में, एक दिन रियलाइज कराता है, अरे ये मेरे बोल ठीक नहीं, मेरे विचार इतने शुद्ध नहीं है, गलत विचार आते हैं। बाबा कहता है विचार भी दूसरों को पहुंचता है, वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। मैं बोलता नहीं हूं, चुप रहता हूं, लेकिन मेरे वाइब्रेशन काम करते हैं। ये सूक्ष्म रूप से रियलाइज हो, आप कहेंगे मैंने किसी को बोला ही नहीं, मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, लेकिन रियलाइज होना चाहिए। रोज मुरली सुनता है, दर्पण स्वच्छ होते होते, हाँ मेरे मन में इनके लिए गलत विचार है, कभी चलता है, ये इनको क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा विचार चलता है, ये विचार भी उनको पहुंचता है, इसलिए वो व्यक्ति मेरे से संतुष्ट नहीं है, वो व्यक्ति मेरे नजदीक नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति मुझे कोऑपरेशन नहीं देता है, ही डू नॉट लाइक मी, ही हेट मी, ही नेवर कम टू क्लोज, वो कभी भी सहयोग नहीं देता है। कारण अपने से पूछना है। ये रियलाइजेशन 99% संभव नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। ओनली प्योर स्पिरिचुअल पर्सन जो रेगुलर सिंसियरली मुरली सुनता है, तब बाबा ने कल कहा था कि ज्ञान ऐसे सुनाना नहीं, बाबा ने ये कहा था, मैंने भी सुना, आपने भी सुना है, क्या फायदा? तो ज्ञान कैसे सुनाना चाहिए? हाँ, तो आप मंथन करो, सोच के एक्सप्लेन करो, बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ ऐसा, मैं ऐसे समझ रहा हूं, ये सही है, वेरीफाई करो, बाबा से करो। मुरली सुनने के बाद बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आज आपने ऐसे कहा, जैसे उदाहरण, आज बाबा ने कहा कि शंकराचार्य के तन में भी आप नया परम नई आत्मा प्रवेश करती है। हमने कहा शंकराचार्य तन में कैसे करेगा? आपको कन्विंस नहीं, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आज आपने मुरली में ऐसे कहा, ये क्या है? फिर इनको पूछो, फिर रघुनाथ भाई से पूछो, भाई जी आप अनुभवी हो, पुराने हो, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे है? दो चार लोगों से वेरीफाई करो, डिस्कशन करो, कहीं नया निकलेगा, इज इट? तो कुछ एक्सप्लेन करो, मंथन करके सुनाओ, ऐसे सीधा ज्ञान सुना, रिपीट किया, ये रिपीटेशन हो गया। तो ये बाबा तरीका बताता है। तो समझा, परिवर्तन करने के लिए रियलाइजेशन पावर बुद्धि के अंदर है। और अब आया, इसके अंदर भी दो ऑप्शन है। एक, मुझे पता चला इनको देखते ही गलत विचार आया, तुरंत आपने फुल स्टॉप लगाया, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये ठीक नहीं, बाबा ने कहा था, तो फुल स्टॉप लगाया, लेकिन वो मिट गया, मिट गया, कल आएगा फिर, तो क्या करना चाहिए, इसका जवाब दे दो। हाँ, शुभ भावना से आपने फुल स्टॉप लगाया, तो शुभ भावना का अर्थ बताओ। अभी उसको देखते ही ये सोचो, नहीं अभी ये सुधर गया है, बहुत अच्छा है, कल गुस्सा करता था, अभी नहीं, अभी सुधर गया, ये शुभ भावना है ना? हाँ, ये विशेषता। तो शुभ भावना क्या है? अभी मुझे उनको देखते याद आया कि इसने 2 साल पहले कितना मुझे दुख दिया। तो आपने क्या किया? तुरंत बाबा ने कहा था किसी का निंदा परचिंतन नहीं करो, तुरंत आपने फुल स्टॉप लगाया, मना सोचा, नहीं नहीं सोचना चाहिए, बाबा वो आपका अच्छा बच्चा है, ठीक है, जो पास्ट किया छोड़ दो, है ना? तो फुल स्टॉप लगा, वो मिट गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, क्या बात करो, लेकिन आपके अंदर तो याद है ना, वो मिटा तो नहीं, तो वो भूभ रिपीट होगा,
कितना, एक साल के बाद, एक साल लगा, लेकिन आपके पास वो बात अभी भी है तो वो मिटा नहीं, फिर से क्लब के बाद फिर आएगा। अब उसका कोई सॉल्यूशन बताओ, उसका सॉल्यूशन चाहिए, वो बात भी मिटाना है। बाबा ने कहा पुराने कोई भी संस्कार यहां ही मिटा दो, अग्नि में भस्म कर दो, दोबारा उगेगा नहीं, तो उसकी कोई व्यवस्था है वो बताओ। तो कैसे शक्ति लेंगे, बाबा देगा कैसे, टाइम ले लो, किससे टाइम लेना चाहिए, तो क्या अमृत वेला क्या करना चाहिए, कहां दे दो पॉइंट, बाबा कहां, ऊपर मना, सूक्ष्मतन की परम धाम, सूक्ष्मतन की परम धाम, सूक्ष्मतन में, हाँ, तो सूक्ष्मतन में बाप दादा ने कहा मैं भस्म करता हूं, नहीं बोला, माना थोड़ा 50% ठीक है, और कौन बताता है, हाँ, और इसने ठीक बताया लेकिन 50%, तो आपने फुल स्टॉप लगाया तो स्टॉप हो गया, कल फिर आएगा, वो मिटा नहीं। तो शाम को जब योग में बैठते हो तो आत्मा समझ शुभ बाबा को याद करो, परम धाम में अग्नि है वो, अग बाबा को, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, आपने कहा बच्चों को मैं पावन करने आया हूं, बाबा मेरे अंदर एक काला दाग लगा है तो कौन मिटाएगा, आपने कहा, तो आपके पास शक्ति है, आप धोबी है, आपने कहा मैं कपड़े का दाग लगा हुआ दिखाएंगे धोबी को, आप कहेंगे ये मिटाओ, बाबा ये आज मेरे अंदर दाग लगा है तो आपने कहा आप इसको मिटाओ, दोबारा नहीं करेंगे, तो बाप शक्ति का प्रयोग संस्कार पर करो। धोबी के अंदर ऐसे ही कपड़े दिया हुआ ऐसे धोएगा, अगर चाय का दाग गिरा है तो अलग साबुन लगाना पड़ता है, तो उसको दिखाना पड़ता है ये चाय का दाग है या अलग साफ करना, नहीं तो जनरल धो के देगा वो दाग नहीं जाएगा। तो यहां भी बाबा ने कहा अग्नि में कोई बीज डालो वो भस्म हो जाता है, फिर वो उगता नहीं है। तो योग अग्नि में परम, सवेरे कोई पाप हुआ शाम को ही परम धाम में जाना है, सर्वशक्तिवान वहां योग अग्नि बीज रूप स्थिति ज्वाला स्वरूप योग अग्नि है, तो वहां बाबा को याद दिलाओ, बाबा आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, आई एम द प्यूरिफायर, आई एम द लिबरेटर, बाबा ये दाग लगा हुआ है इसको आपको मिटाना है, लेकिन आपने कहा बच्चे एक दफा मैं मदद करता हूं, आप करता रहो और मैं मिटाता रहूं, नहीं बाबा गारंटी दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा पूरा ध्यान दूंगा, आप मिटा दो आज। तो शक्ति का प्रयोग अपने संस्कार में करना है, परम धाम में, सूक्ष्मतन में, बाबा को बताया, बाप दादा नहीं करता है, शिव बाबा ने, वो परम धाम अग्नि है, तब कहा आत्मा समझ परम धाम में शिव बाबा को याद करो, याद से विकर्म विनाश होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राज जो क्या है, स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि में राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग क्या है कौन बताएगा, हाँ क्या है वो राजयोग, क्या है वो सहज राजयोग, नहीं कौन बताएगा, ब्रह्म कोई पूछेगा आपको कहां जाते हो, ब्रह्मा कुमारी में क्यों जा रहे हो, राजयोग सीखने के लिए, राजयोग क्या है, वट इज राजयोग, हाँ फिफ्टी परसेंट ठीक है और रह गया थोड़ा, और बताओ ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग क्या है,
उसको करना, तो भी 75%। और भी करेक्शन चाहिए इसके अंदर। देखा आप, किसी को पता नहीं है, परफेक्ट सभी के अंदर एक जैसा होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने एक ही हमारा टीचर नहीं है, बहुत टीचर है, कहते एक शिक्षक है, तो अलग अलग ओपिनियन है। ब्रह्मा कुमार रोज बाबा मुरली में कहता है, ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। ये पूरा चाहिए। योग क्यों करना चाहिए, किससे योग लगाना है, परमात्मा कौन है, वो शिव है। हार्ट का ऑपरेशन करने वाला ये डॉक्टर है, उसका नाम है, ये शरीर का नाम नहीं, ये शिव निराकार का नाम है, वो ऑपरेशन करता है, सभी लोग नहीं करता है। परमात्मा सब लोगों को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो नाम बताओ, शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो गया, पूरा सेंटेंस चाहिए। ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग बना आत्मा समझ, क्यों, शिव भी किसको याद कर, रावण किसको याद करता था, शिव को। रावण का क्या हाल हो गया, सब कुछ जला दिया, तो आप शिव बाबा को या शिव को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी वही हाल होगा, अग्नि आपका भी जलाएगा या मैं भी करूं मुझे भी जला देगा। लेकिन यहां क्यों नहीं, यहां विधि है कि आत्मा को जला नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, तब कंडीशन बताया श्री मत देता है, आत्मा समझ मुझे याद करो, ऐसी याद करेंगे तो जला देगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अग्नि तो अग्नि है। तो यहां विधि है, आत्मा पहले समझो, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकते, कोई काट नहीं सकता है, अविनाशी है। लेकिन आत्मा के ऊपर जो प्रभावित है, कोटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, सो ही इज अ प्यूरिफायर, सो ही इज अ लिबरेटर, मुक्त करता है। अंडरस्टूड, सब अर्थ सही तो होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट चाहिए, नहीं तो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है, एक बाप एक पढ़ाई, एक क्लास एक मुरली, फिर भी अलग अलग ओपिनियन क्यों। तब कहा, दूसरों का ज्ञान इधर उधर का कलेक्ट करते हो, मुरली में बाबा रोज सुनाता है, आत्मा समझ मुझे याद करो, बताता है ना, तो समझ में आया, परिवर्तन शक्ति बुद्धि के अंदर है, और बुद्धि के अंदर रियलाइज तब होगा जब मुरली ध्यान से विथ इंटरेस्ट। इसलिए मैं कल रात को पूछा कि योग में शाम को नींद नहीं आती है, अमृत वेला हो सकता है रात को सोए नहीं है, तो दिन में भी रेस्ट किया है, तो शाम को नींद क्यों आ रही है, दैट यू हैव टू रियलाइज, मुझे योग में बैठे नींद क्यों आ रहा है। तो वो आप जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, किसी ने कितना भी कहो आपको पता नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मैं योग कर रहा था, आज बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन उसको पता ही नहीं नींद कर रहा था कि योग कर रहा था, नील अच्छा योग लगा आज, है ना, यहां अच्छा वातावरण है, पीसफुल है, गहरी नींद है, गहरी योग हो गया, है ना, डीप साइलेंस, कोई विचार नहीं, क्यों स्वप्न नहीं, कुछ नहीं, डीप साइलेंस, बिकॉज प्योर एनवायरमेंट है, ये भी है। तो लोग थोड़े उसको समझ रहे हैं। इसके लिए मैं सोचा कि हमारे अभी आप ओपिनियन बताना कि आपको योग में कमेंट्री करेंगे, हम बोलते रहेंगे तो आप सुनते रहते हो, सुनते सुनते नींद आती है, बच्चा सोता नहीं है तो माँ क्या करती है, कहानी सुनाती है तो सो जाता है, तो सुन रहा है। तो मैंने देखा नींद तब आती है अगर आपको रात को बताया था कि आप बाबा से बात करो, अगर किसी से बात करते रहो तो नींद आएगी, तो आइडल माइंड आइडल इंटेलेक्ट तो नींद का कारण है, कारण ढूंढ। तो मैंने कहा आपने किसी ने रियलाइज किया हमको योग में बैठते नींद क्यों आ रही है, क्योंकि रात को नहीं सोए, कितना घंटा सोना चाहिए, पहला कंप्लीट नींद कंप्लीट करो फिर योग करो, नींद अगर नहीं हुई यू नो तो नींद करके आओ,
ना नींद हुई ना योग हुआ, और दूसरा देखेंगे वो भी डिश, अरे ये योग का नींद करता है, दूसरों को भी विचार चलता है, वाइब्रेशन भी फैलता है नींद के, इज इट? तो ये सब रियलाइजेशन हरेक को होना, ये होता नहीं है। क्यों? हम दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते हैं। तब कहा मुखड़ा देख लो, अपने आप को देख लो। तब इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। रियलाइज बुद्धि करती है, और आज तक तो बुद्धि का ज्ञान ही किसी को पता नहीं। मन ही मन एकाग्र करो, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा ने आके बुद्धि का ज्ञान दिया है। सारे विश्व के अंदर किसी ने भी बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया। फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सियस एंड सबकॉन्सियस का। तब मनुष्य शराब पीता है, तंबाकू खाता है ना, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को सप्रेस करना चाहते हैं। तो मन को सप्रेस नहीं करो, मन को कन्विंस करो, कौन करेगा? तो वो ज्ञान ही नहीं है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं जानता हूं गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह मन चंचल है, मन आइसक्रीम देखते ही दौड़ता है, खाना चाहिए। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, योग करते हो रोज स्वच्छ है, तो वो बुद्धि, उसको कहा दिव्य बुद्धि। बाबा ने कहा जन्मते ही बच्चों को दिव्य बुद्धि का गिफ्ट दिया है, उसके अंदर रोज मुरली के पॉइंट रखो। अगर मुरली के पॉइंट धारण करते जाते हो, रखते जाते हो, तब वो क्लीन रहती है ना। तो उसकी विधि बताया कि दूसरों को भी सुनाओ अपने के, तब बुद्धि नॉलेजफुल इंटेलेक्ट। तो वो बुद्धि मन को, संस्कार को, कितने भी कड़े संस्कार हो, कहेगा नहीं, इधर नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, दृढ़ संकल्प, क्योंकि नॉलेज एंड पावर है। तो दृढ़ संकल्प होता है नहीं करना है, तब कहते हैं दृढ़ व्रत। जब व्रत रखते हो शिवरात्रि पर, रखते हो ना, मद्रास में तो शिवरात्रि पर व्रत रखते हो, निर्जल पानी भी नहीं पीना है, किसी का हाथ का नहीं खाना है, रखते हैं। तो ये व्रत चाहिए, शिव बाबा चैतन्य आके बताता है, तो वो व्रत रखना है। वो रियलाइजेशन पावर हमारे अंदर आज नहीं है, रोज सुनते हैं मुरली तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है। कारण बुद्धि के अंदर हम मुरली को धारण नहीं कर रहे। तो धारण करने की विधि बताते हैं कोई। बाबा कहता है धारण करो, धारणा रोज सुनाता है, लेकिन कैसे धारण करो, कैसे याद रखूं, वो विधि चाहिए। तो वो विधि आपको ऐसे क्लासेस में मिलता है, बाबा से डिस्कशन करो तब मिलता है। जैसे आपको मेडिकल स्टोर में जाओ, क्रोसिन गोली मिलती सिर दर्द के लिए, आप ले लो, चलेगा ना? उसके ऊपर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर को पूछना चाहिए, डॉक्टर को क्यों पूछना चाहिए, मुझे सिर दर्द है दवाई ले लो, क्यों पूछना चाहिए? तो सिर दर्द चार प्रकार से होता है, माइग्रेन के कारण हो रहा है, या चश्मे का नंबर चेंज हो गया है, दवाई की जरूरत नहीं, हो कहता नंबर चेंज करो, दवाई नहीं लेने की जरूरत नहीं। तो वो डायग्नोस करके बताता है, दवाई एवरीथिंग नहीं है। तो डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर चाहिए, दवाई कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, नहीं तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है। जैसे ज्ञान भी सुनने के बाद भी उसका ये सीधा ज्ञान यूज करो, एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर आप ज्ञान सुना, बाबा ने कहा पवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खा लो, तो भाई जी कहेगा माता जी को, मैं आपका हाथ का नहीं खाता हूं, आप गुस्सा करते हो, चलेगा? बेटा कहेगा मां को, मैं आपका हाथ का नहीं खाता हूं, आप अपवित्र हो, बाबा ने कहा है, चलेगा?
तो ज्ञान का भी सीधा उपयोग करना तो भी डेंजरस है। ज्ञान को यूज करने की भी विधि चाहिए। तब कहा आफ्टर रियलाइजेशन इफ यू वांट टू अप्लाई दिस स्पिरिचुअल नॉलेज ए सिस्टमेटिक एफर्ट इज नेसेसरी। तब कहा अनुभवी व्यक्ति चाहिए। उनको पूछेंगे ये कैसे करूं, इस कंडीशन में क्या करूं, तो हर एक की अलग अलग कंडीशंस है। श्रीमत भी, बाबा ने कहा श्रीमत भी यूज करने का तरीका है, समय, व्यक्ति और परिस्थिति। इन तीनों को देखकर श्रीमत यूज करना चाहिए। व्यक्ति का लिए श्रीमत अलग है, इसके लिए श्रीमत अलग है, इसके लिए अलग है, बाबा का ही मुरली है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। परिस्थिति, इनकी परिस्थिति अलग है, इनकी परिस्थिति अलग है। व्यक्ति, परिस्थिति और समय कौन सा है, वर्तमान समय भी समय कौन सा है, प्रेजेंट कंडीशन देखना चाहिए। ये तीनों को देखकर श्रीमत यूज होना चाहिए। ऐसे नहीं सभी के लिए श्रीमत है, व्यक्ति, परिस्थिति और समय को देख लो। समझ में आया? श्रीमत भी, श्रीमत श्रीमत कहते हैं हम, तो उसका भी ऑप्शन है, उसको भी यूज करने का तरीका चाहिए। ज्ञान की गहराई, नहीं तो ज्ञान भी डिससर्विस करता है। घर में जाके आप सीधा बताते हो, बेटा कहता है माँ को मैं आपका हाथ का नहीं खाता हूं, चलेगा? कहां जाएगा? बाहर होटल का खा सकता है, माँ का नहीं खा सकता है ना? तो उसकी भी बाबा ने बताया, उसकी क्लैरिटी चाहिए। तब कहा फर्स्ट, बाबा ने कहा बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से वेरीफाई करो। बाबा, बाबा के ऊपर है वो, आपको किसी न किसी द्वारा या टचिंग कुछ भी, उसकी जिम्मेवारी। उसने कहा मेरे से वेरीफाई करो। मुरली सुनने के बाद एनी टाइप किसी प्रकार का डाउट है, इधर उधर नहीं पूछना, डाउट अंदर भी नहीं रखना। इसके बाद बाबा के कमरे में, बाबा आप टीचर है, आप पढ़ाते हो, ये ज्ञान किसी को पता नहीं है, ये नया है, आप बताओ ये आज आपने मुरली में कहा इसका अर्थ क्या, ये कैसे करना चाहिए। वेट, भगवान के घर घर में अंधेर नहीं है, देरी है, आज नहीं तो कल। बाबा आपको पूछा था आपने जवाब नहीं दिया, कितना दिन इंतजार करो, एक दो दिन देखना मुरली में आएगा नहीं आया, फिर किसी को पूछ लो जो अनुभवी है, योग्य है, आपके लिए रिस्पेक्टफुल है। उसको बाबा ने व्यवस्था दिया जिस पर आपको विश्वास है, बाबा ने व्यवस्था दिया है मुरली में। किसको पूछना चाहिए? जिसको आप, आपको विश्वास है उनको पूछ लो, ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति सही बोलता है। तो यू मस्ट हैव फेथ। समझ में आया? परिवर्तन कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत कुछ है, लेकिन परिवर्तन अपने आप नहीं होता। एक ही शब्द आता है इंग्लिश में, अनलेस यू रियलाइज। यू मना बाई बुद्धि मेरी, ये दुनिया में पता नहीं है। सब लोग कहते हैं परिवर्तन करो, कौन करेगा, कैसे करेगा? तो आई हैव टू आई मीन्स बुद्धि पहले चाहिए। तो दुनिया में बुद्धि का ज्ञान नहीं, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। कितना सुन रहे हैं, कितना ज्ञान भरा हुआ, कितने क्लासेस है, कितने क्लासेस सुनते हैं। तब कहा लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, ईट लेस डाइजेस्ट मोर, थोड़ा खा लो डाइजेस्ट करो। अगर हजम नहीं हुआ बहुत कुछ सुना, वेस्ट। तो अभी आप परिवर्तन करके दिखाएंगे ना, एक एक तो क्रोध तो छोड़ के देंगे पक्का। हाँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो भट्टी करो, सुनो कुछ हुआ ही नहीं है। मद्रास से अगर क्रोध चला गया तो मद्रास सोने की दुनिया है। अभी अभी भी मद्रास सोने की दुनिया है। सोना कहाँ मिला आपके टेंपल में मिला ज्यादा, है ना? पद्मा टेंपल में मिला है ना, पद्मनाभ टेंपल में सोना सबसे ज्यादा। मद्रास में सब लोग सोना पहनते हैं, सोने की दुनिया कहाँ आएंगी?
क्रोध मुक्त दुनिया। हाँ कहाँ है वो? मद्रास में है, चेन्नई में है। हाँ तो वो लोग सब कहे मद्रास वाले बहुत अच्छे हैं। अभी भी मद्रास वालों का चेन्नई वालों की महिमा है, वो दे आर वेरी ब्रिलियंट और बहुत श्रद्धा है, भावना अच्छी है, भावना वाले हैं। तो उसके अंदर अब एक एडिशन हो कि मद्रास वाले क्रोध नहीं करते हैं, बहुत शांति से बोलते हैं, बहुत मिठास बोलते हैं। हो सकता है ना ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, गुड। इस भट्टी से कुछ निकलना चाहिए, भट्टी किया क्या परिवर्तन हुआ? कोई पूछेंगे अदर कुमार वालों ने भट्टी किया तो उससे क्या निकला, तो कहा दो समुद्र मंथन किया था तो उसमें अंदर क्या निकला? कुछ विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो विष निकला था वो फेंक दिया बाहर, क्रोध फेंक दिया और अमृत लिया है। तो हम इतने बाबा के बच्चे क्रोध मुक्त हुए, तो आप बताएंगे देखो ये भाई भी था, ये देखो बहुत क्रोध करता, अभी नहीं करता है, मैंने देखा इसको। एक दूसरों को ये बताओ कि देखो ये क्रोध नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूं, ये आना चाहिए। अभी क्या आता है, ये भी क्रोध करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। अभी परिवर्तन चाहिए, कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करके दिखाना है। ठीक है जी, क्रोध से किसका? हाँ, क्रोध निकालने की विधि बताया, एक मुरली के पॉइंट आज का। आपके इच्छा के अनुसार कोई भी सारे मुरली से कोई भी एक शब्द ले लो, लिख कर अपने जेब में रखो। और आप बहुत बिजी हैं, कर जाने, लेकिन तीन दफा तो खाना खाते हो सवेरे, दिन में, शाम को, उस समय तो खाली है दो हाथ, एक हाथ शरीर को खिलाता है, एक हाथ खाली है, कुछ काम नहीं, जेब में हाथ डालो। आज बाबा ने क्या कहा, यह आत्मा को पढ़ाओ, यह शरीर को खिलाया, दोनों आत्मा और शरीर दो है ना, दोनों का एट ए टाइम सेवा करो। सवेरे दिन में भी खाते हो, रात को भी खाते हो, तो जब खाना खाना बैठते हो तब निकाल के अपने आप को पढ़ाओ। ये वन कंडीशन, मिनिमम तीन दफा। दूसरा, मिनिमम तीन चार दफा कोई भी मिला उसको पढ़ के बताओ, नहीं कोई मिला नहीं, फोन करके बताओ। आप कहेंगे भाई जी फोन करने के लिए पैसे लगता है, हाँ 100 रुपए लगेंगे एक महीने के लिए, 100 जन्म धनवान बनेंगे। ये ज्ञान धन दान करने के लिए आपने धन यूज किया, खाने के लिए और किसी के लिए नहीं किया, ज्ञान दान करने के लिए। तो ये ज्ञान धन है। तो बाबा ने एक व्यक्ति को मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे, ये धन बांटो, अविनाशी धन है। तो इसके लिए ये दो पुरुषार्थ, एक पुरुषार्थ करना चाहिए, 10 दिन मिनिमम अपने आप को मिनिमम तीन दफा पढ़ाओ, 2-3-4 दफा दूसरों को सुनाना, ये दो कंडीशन। तो उसको आप 10 दिन करो और देख लो कि अभी इन्होंने इतना गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा करने का आया ही नहीं, इच्छा ही नहीं हुई कि मैं गुस्सा करूं। अपने आप काम करेगा, मैकेनिज्म है, क्योंकि बुद्धि कन्विंस हो गई। तो बुद्धि कन्विंस होने का पावरफुल ब्रेक करता है अपने आप, क्योंकि बुद्धि आपको कहती है इसको ऐसा करो ऐसे बोलो, तो वही कंट्रोल करती है। तो बुद्धि कंट्रोल करने वाली है। तो बुद्ध बाबा ने कहा बच्चों को दिव्य बुद्धि दिया है, उसके अंदर ये ज्ञान रखो। जिसके पास दिव्य बुद्धि है वो अपने जीवन को दिव्य बनाता है, मर्यादित बनाता है, अपने को श्रृंगार करता है। तो बुद्धि की कमाल है यहां। ठीक है, तो परिवर्तन शक्ति समझ में आया? ठीक है, ओके। कोई प्रश्न है तो लिख करके देना, बाद में आएगा प्रश्न उत्तर। भाई जी और कुछ है क्रोध छोड़ने के लिए परिवर्तन शक्ति के ऊपर? तो उसके ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू हैव राइट टू आस्क, लिखकर पूछना। ठीक है, बहन जी को दे देना।
फिर प्रश्नोत्तर के अंदर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, चलेगा? ठीक है, अभी सोचना, कि सोचना पड़ता है ना, कि मुझे अपने आप से सोचो, मुझे क्या परिवर्तन करना है, कुछ तो अपने आप को देखना, उसको परिवर्तन करना है, ये नहीं सोचना, दूसरों को अंगुली नहीं दिखाना, उसके अंदर बहुत खराबी है, तो उसका अपना लाइफ है, अपने को देखो मुझे क्या करना है, सही, यही है ना परिवर्तन। ठीक है, ओम शांति।